नमस्कार, मैं हूँ सुगंति। आइए आज के वीडियो देखते हैं जो कॉमेडी वाला है, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मेरा दूल्हा आ गया, पेट में भी डाल के आया। दोस्तों, इससे पहले भी हमने फनी इंडियन वेडिंग पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फनी इंडियन वेडिंग का एक नया पार्ट। ये पार्ट भी पहले के जैसे ही काफी मजेदार है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मिलिए इस जोड़े से। ये शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मिलने के लिए कूपचे में आए थे, तो लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पूछने लगे कि इससे शादी करोगे या नहीं। पर ये भाई साहब मौका पाते ही मुखर जाते हैं। तुम बोलो रे, रखेगा तुम इसको? रखेगा ना, आगे पीछे सोच के रखेगा? नहीं रखेगा। मुंह से बोलो नहीं रखेगा। नहीं रखेगा ना, जोर से बोलो नहीं रखेगा ना। बाबू सुना सब गाइस, बाबू मत। अब जरा मिलिए इनसे। इन जनाब को इतनी खूबसूरत बीबी मिली थी, फिर भी इन्होंने अपनी शादी पे शेरवानी पे पजामा नहीं पहना। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब तो निकर पहनकर ही शादी करने आ गए। दोस्तों, एक तरफ तो हम सिंगल लोंडो को लड़कियां पटाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चचा लोग इस उम्र में शादी कर रहे हैं। बात तो सही है। अब जैसे इन चचा को ही देख लो, इन चचा ने चार चार शादियां की हैं। देखिए कैसे ये लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी शादियां कब की हैं। पति सबसे पहले इससे शादी की है, उसके बाद उससे शादी हुई, उसके बाद उससे हम शादी की है, और अभी अभी कुछ दिन पहले हम इससे शादी की है। अब आपको ये निर्णय लेना है, सुझाव देना है, इस चारों में से सबसे अच्छी मेरे लिए कौन है। इस अगली शादी में तो कमाल ही हो गया। देखिए कैसे ये साली अपने जीजा के मुंह से पैसे चुरा रही है। इनकी ये हरकत देखने के लिए तो लोगों ने शादियां छोड़ दी। वैसे इस जोड़े को देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? भाई कुछ भी हो, अब ये मोहतरमा पूरी जिंदगी इस गेंडे के लिए रोटियां बनाएंगी, और रोटियां बनाते बनाते थक भी जाएगी। दोस्तों, शादी अगर पहली बार हो तो लड़के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और उनका खुश होना भी जायज है। वहीं अगर शादी मनपसंद लड़की से हो रही हो तो लड़का खुशी के मारे पागल भी हो जाता है, और ऐसे ही कुछ हाल होता है इन जनाब का। ये भाई साहब अपनी ही शादी में लेफ्ट राइट कर रहे हैं। पीछे खड़े लोगों ने दुल्हन से कहा कि तुम भी दूल्हे का साथ दो, लेकिन दुल्हन समझदार निकली। उसे पता था कि डांस करने के चक्कर में अगर एक भी हाथ मुंह पे पड़ा तो बत्तीसी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, शादी की रस्मों में एक रस्म होती है जूता चुराई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है। पर यहाँ ये दूल्हे राजा अपना जूता चोरी नहीं होने देते हैं, और स्टेज पर भी जूता पहन के बैठे रहते हैं। ऐसे में घरातियों ने इन्हें उठा लिया और फिर इनका जूता लूटकर भाग गए। वैसे कभी कभी शादियों में कंफ्यूजन भी हो जाती है। अब जैसे इस शादी में देख लो, यहाँ तो लड़की ने ही लड़के को मंगलसूत्र पहना दिया। शादी के बाद जब नई नवेली दुल्हन घर आई तो ससुराल वालों ने गाना गाने के लिए कहा। अब बेचारी नई नवेली दुल्हन करती तो क्या करती, इसने भी ऐसा गाना गाया कि घर वालों के साथ साथ दूल्हे के भी होश उड़ गए। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, जो शादी करने तो आ गए लेकिन सस्ते नशे से बाज नहीं आए, और अपने ही शादी में फुल टुल होके आए हैं। और जब हार पहनाने की बारी आई तो इन्होंने बीबी के जगह साली को पहना दी। दोस्तों, लोगों को अपनी शादी के बहुत अरमान होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बीबी को हेलीकॉप्टर पर लेके आएंगे, जैसे कि इन जनाब की थी। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने कार को ही हेलीकॉप्टर बना दिया और अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। जब जेब में पैसे ना हो तो ऐसे ही जुगाड़ काम आते हैं। पैसे से याद आया कि अगर आपके पास पैसा हो और आपकी लंबाई 2 ही फीट क्यों ना हो, फिर भी आपकी शादी हो जाएगी, जैसे कि इन भाई साहब की हो रही है। आंटी जी भी खुश होंगी कि उन्हें गोद में खिलाने के लिए अच्छा खासा खिलौना मिल गया है। इस दूल्हे को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें शायद यकीन ही नहीं था कि इनकी शादी होगी। तभी तो भाई साहब इतने खुश हो जाते हैं कि दुल्हन के पास से उठकर सीधा डांस करने लगते हैं।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि उनकी शादी हो गई है, जैसे कि इन भाई साहब को। इसीलिए तो इन्होंने अपना और दुल्हन का हाथ फेविक्विक से चिपका लिया। लगता है कि ये भाई साहब कई सालों से कहीं सो रहे थे और इन्हें आज पता चला कि शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो भाई हैरान हूँ कि इन भाई साहब को इतनी खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई। क्या बात है सर, क्या बात है। सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ दूल्हे और दुल्हन सात फेरे ले रहे थे, लेकिन जरा फोटोग्राफर को देखिए, इन्होंने इनके सात फेरे को कवर करने के लिए कैसा जुगाड़ लगाया है। दोस्तों अगर शराबी की शादी होती है तो वो अपनी हरकतें दिखाई देता है, जैसे कि इन जनाब ने पानी का बोतल खोलने में दिखा दी। भाई साहब पानी का बोतल ऐसे खोल रहे हैं जैसे दारू का बोतल हो। और यहाँ ये भाई साहब किसी खंभे की तरह खड़े हैं। दूल्हे राजा ऐसे खड़े हैं कि जैसे ये सोच कर आए हों कि आज कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। दोस्तों शादियों में मेकअप का भी अपना ही जादू है। भाई मेकअप में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरा बना दे, जैसे कि इन मोहतरमा को देख लो। नमस्कार, मैं हूँ सुगंति। आइए आज के वीडियो देखते हैं जो कॉमेडी वाला है, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।